चलिए आगे सुनते हैं। बाकी लोग अपनी शॉपिंग खत्म करके चले जाते हैं और अभय मुंह लटका के घर आ जाता है। शाम को शालिनी घर आती है। अभय अपना कमरा बंद करके बैठा होता है। शालिनी पूछती है नानी से, अभय कहाँ है? तो नानी बताती है वो सारा दिन अपने कमरे में था। नानी जानना चाहती थी कि हुआ क्या है। शालिनी अभय को बाहर बुलाती है और उससे पूछती है, अच्छा सूट नहीं मिलेगा तो क्या तुम फेयरवेल पे नहीं जाओगे? अभय बोलता है, नहीं जाऊंगा। अभय का आर्ग्यूमेंट होता है कि जब आपको अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं तो आप लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन आज जब मुझे एक अच्छा सूट चाहिए तो आप लोग मना कर रहे हो। शालिनी कड़े शब्दों में बोलती है, मेरे जॉब से मुझे बस इतना ही पैसा मिलता है जिससे मैं सारे खर्चे उठा सकूं, तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये सारा ड्रामा नानी के सामने हो रहा होता है। फाइनली नानी इंटरफेयर करती है और वो बोलती है, अभय के फंक्शन के लिए अगर मैं एक अच्छा सा सूट लाऊं तो? अभय और शालिनी नानी को देखते हैं। शालिनी कह पड़ती है, मम्मी आप इसमें मत पढ़ो, जाने दो, ये अभय कुछ भी बोल रहा है। लेकिन नानी आगे बात करना चाहती थी, वो इस लड़ाई को खत्म करना चाहती थी। नानी अभय से पूछ बैठती है, अच्छा पहले ये बताओ फेयरवेल क्या है? गुस्से में बैठा अभय चिढ़ के बोलता है, नानी आपको कुछ भी पता है इस बारे में? न सर न पैर, और आप मेरे लिए सूट लाना चाहते हो? मम्मी आप नानी से प्लीज बात करो। नानी दो पल के लिए चुप हो जाती है, फिर भी धीमी आवाज में वो अपनी बात रखना चाहती है और कहती है, छोटी उम्र में शादी हो गई और फिर बच्चे, और फिर बच्चों का घर देखते देखते उम्र बीत गई। जब लगा बच्चे अपने अपने घर में खुश हैं तभी नाना छोड़ के चले गए। कब 17 साल से 70 साल की हो गई पता ही नहीं चला, बस यूं ही कट गई जिंदगी। सॉरी बेटा, मुझे लगा मैं कुछ हेल्प कर सकती थी। नानी को लगा अभय को उसकी बातों से शायद बोरियत हो रही है, वो अपने आप को चुप करा लेती है। नानी की बातें सुनकर अभय बोलता है, प्लीज नानी आप रहने दो। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चला जाता है। शालिनी अपनी मम्मी को बोलती है, आप अभय की बात का बुरा मत मानना, वो कभी कभी ज्यादा बोल देता है। नानी स्माइल करके कमरे में चली जाती है। नानी को जैसे मिशन मिल जाता है, वो अपने कमरे में पड़ा ट्रंक खोलती है और कुछ ही देर में नाना का पुराना सूट निकालती है। सूट बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा मटेरियल और स्टिचिंग थी। इनफैक्ट सूट बिल्कुल नया लग रहा था, कपड़े के अंदर चमक थी और उस जमाने का एक बेस्ट क्वालिटी सूट था। और मोस्ट इंटरेस्टिंग बात, उस सूट का डिजाइन आज फैशन में था। शालिनी नानी से बोलती है, ये सब क्या कर रहे हो? नानी का कहना था, ये सूट तेरे पापा के लिए बनवाया था, लेकिन इसे पहनने से पहले उनकी डेथ हो गई थी। ऐसा ही अंदर पड़ा था कई सालों से, मुझे अच्छा लगेगा अगर अभय पहनेगा। शालिनी अपनी मम्मी को इमोशनल देख स्माइल करके चली जाती है और उनकी बात नहीं काटती। उसे मालूम था अभय को समझाना मुश्किल होगा ये सूट पहनने के लिए, क्योंकि अभय का मन उस 17,000 के सूट पे अटका हुआ था और वो अपनी मम्मी से नाराज था कि उसके इस इंपॉर्टेंट इवेंट को वो इग्नोर कर रही है। अगले दिन बिना किसी को बताए सुबह सुबह नानी सूट की फिटिंग करवाने के लिए घर से निकल जाती है। उसे तलाश थी आरिफ टेलर की जिसने ये सूट बनाया था। अब इतने सालों में बड़े बाजार से उसकी दुकान शिफ्ट हो चुकी थी और इस बारे में नानी को नहीं मालूम था कि आरिफ कहाँ मिलेगा। पूछताछ के बाद उसे फाइनली आरिफ टेलर की दुकान मिल जाती है। आरिफ की भी उम्र हो चुकी थी, फिर भी वो अपना काम देखता है, यानी कि अपना बनाया सूट वो झट से पहचान जाता है और उसे मालूम था ये सूट उसके हाथ का बनाया हुआ है। आरिफ का मानना होता है इस सूट से छेड़छाड़ करने से सूट खराब हो सकता है, क्योंकि कई जगह से कपड़ा कमजोर पड़ चुका था। फेयरवेल में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए सुनते रहें टाइनी कास्ट।